पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास सदैव जनता की सेवा में लगा रहता है। आज यह शुभ अवसर है कि मेदांता दि मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन, जो विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। थोड़ी ही देर में वो हमारे सामने आएंगे। आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने मोबाइल बॉक्स को चालू रखें और इसी में उनके साथ हमें सीधा संवाद करने का अवसर मिलेगा। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की और बघेलखंड की ग्रामीण जनता को बड़ा सौभाग्य होगा कि आज डॉक्टर त्रेहन हमारे निवेदन पर स्वयं उपस्थित हो रहे हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको बता दें कि यह न्यास पूज्य श्री गणेश प्रसाद मिश्र जी के स्मृति में माता श्रीमती शांति देवी द्वारा स्थापित किया गया था, जो आज तक 11 प्रकार के बड़े बड़े स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर चुका है, न केवल नौगांव और सतना में बल्कि प्रयागराज, धवर्रा, अन्यान्य स्थानों पे सेवा के विभिन्न कार्य कर रहे हैं। अभी अभी जो कोविड संक्रमण काल चल रहा है, इस संक्रमण काल के दौरान भी न्यास ने अनेक प्रकार की गतिविधियां आयोजित की हैं, चाहे मंदिर में बंद रहने पर पुजारियों के लिए राशन सामग्री हो, या नौगांव नगर में सैनिटाइज बांटने का काम हो। सतना नगर के हमारी टीम ने बड़े उत्साहित होकर के काम किया और जो भी यात्री रेलवे स्टेशन से 24 मार्च को जब ट्रेनें बंद हो गई हैं, पहले दिन से ही हमारे कामता पांडे, अभिषेक तिवारी, रंजन, विजय तिवारी सब बंधुओं ने मिलकर के यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ा, उनको भोजन कराया, उनके लिए जूते चप्पल आदि तौलिया जो भी जरूरत थी, मास्क, सैनिटाइजर, उनकी व्यवस्था की। इस प्रकार से सेवा न्यास निरंतर रूप से काम कर रहा है। आज उसी कड़ी में मेरे मन में विचार था हमारे मेदांता के जनरल मैनेजर श्री सुकेश जी और डिप्टी जनरल मैनेजर मार्केटिंग श्री कश्यप घोष जी, दोनों की टीम पूरी तरह से लगी हुई है इस काम में। हमारे बीच में थोड़ी देर में डॉक्टर नरेश त्रेहन जी आएंगे, हम उनसे प्रश्न पूछेंगे। कई लोगों ने हमें पहले से कुछ प्रश्न भेजे हैं, हम उन प्रश्नों को इसमें शामिल कर चुके हैं, लेकिन कई लोगों के प्रश्न अगर अभी ध्यान में आ रहे हों तो हम उनको जरूर जो है उसमें जोड़ेंगे। आज इस वार्ता में अनेक छोटे छोटे स्थानों से लेकर के दिल्ली के भी कुछ हमारे बंधु जुड़े हुए हैं, इंदौर से हमारे जुड़े हैं मनीष बंसल जी, भोपाल मनीष सिंगल जी भोपाल से जुड़े हुए हैं। अनेक लोगों ने जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता नहीं है, वो भी मेदांता के सौजन्य से इस तकनीक का प्रयोग करते हुए आज डॉक्टर त्रेहन की माइक्रोसॉफ्ट टीम में शामिल हो रहे हैं। मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और जुड़ने वाले लोगों का स्वागत करता हूं कि वो इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें। छोटे छोटे से सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी हो रही है, आरोग्य सेतु सबने डाउनलोड कर लिया होगा, मुझे उसके बारे में कहना नहीं है। अब तो प्रवासी मजदूरियों के साथ भी कोरोना के संक्रमण नीचे तक पहुंच रहे हैं, इसलिए अभी इस समय पर हमें विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। और हम यदि ऐसा कहें कि जब हम निश्चिंत हो गए हैं कि अब लॉकडाउन खुल गया है तो लोग लापरवाह हो रहे हैं, हम लापरवाह ना बने। डॉक्टर त्रेहन साहब के विचार सुनेंगे, उनमें मैं ज्यादा कुछ ना जोड़ते हुए आपके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उनको अपने साइड के चैट बॉक्स में जोड़ते जाएं और हम उनको डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको मैं अभी नहीं कहना चाहता, जब डॉक्टर साहब जुड़ेंगे तब उनके सामने हम कहना शुरू करेंगे। सुकेश जी, जी सो कितने लोग हो गए डॉक्टर साहब? डॉक्टर त्रेहन भी बस अगले दो मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं हमें। अभी कितने लोग? अभी 97 लोग दिख रहे हैं, आई थिंक लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो शायद थोड़ा टाइम लग रहा है उनको जुड़ने में, बट जुड़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है। इसको निकालने या लगा रहने दे मुंह पे? हम अकेले बैठे हैं अपने घर पे, अकेले हैं तो हटा सकते हैं, मेरे साथ आईटी टीम बैठी है इसलिए मैंने लगाया हुआ है। अच्छा
धन्यवाद। आज यह हमारा अभ्यास सत्र है, इसमें लगभग 2000 लोगों ने अपने मोबाइल में टीम माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। छोटे स्थानों पर जैसे कुछ कुछ समस्या रहती है, कई बार नेटवर्क का इशू है। राकेश जी, मैं डॉक्टर साहब को लाइव कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आ गए हैं तो मैं डॉक्टर साहब को लाइव कर रहा हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार, नमस्कार डॉक्टर मिश्रा जी, कैसे हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार। एक दिन श्री जेपी नड्डा जी के साथ में बड़े डॉक्टरों के समूह के साथ आपको सुन पा रहा था। आपने कोविड के, मैं बीजेपी की टीम में बैठता हूँ। बहुत अच्छा आपने उस दिन सब विषय रखे, छोटे छोटे हॉस्पिटल की प्रॉब्लम के बारे में, शायद कुछ हल भी हुआ होगा। हाँ सही बात है, वो ये तो है कि उन तक आवाज पहुंची है तो वो एक्शन के आदमी है तो किया जरूर उन्होंने किया है जी तो ये तो अच्छी बात है। तो आज जो आज आप कहाँ, सतना में बैठे हैं? मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा, मैं दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर से अभी घर आया हूँ, अपने नॉर्थ एवेन्यू वहां से संचालित हो रहा है। इसमें जो लोग जुड़े हैं मैं थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ। सतना, रीवा, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, महोबा, बांदा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं आपका पूरी टीम के द्वारा आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे लगभग 2000 लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे डॉक्टर त्रेहान से वार्ता करनी है। आपका नाम विश्वविख्यात है, सभी लोग आपको जानते हैं, मेदांता को इसलिए भी जानते हैं कि सतना में और छतरपुर जिले के नौगांव में तीन बड़े सुपर स्पेशलिटी चेकअप कैंप हेल्थ के आपकी टीम ने आयोजित किए हैं। सुकेश जी और कश्यप घोष जी की टीम के साथ सब डॉक्टर गए, लोगों की जुबान पर नाम चढ़ गया है। ऐसा होता नहीं कि हर महीने 20 से 25 30 केस सीरियस केस आते ना हो। आज भी जो प्रश्नावली आई है उनमें अनेक लोगों के बारे में मंतव्य है कि रास्ते बंद है, मुझे मेदांता जाना है, मुझे स्कॉर्ट जाना है, क्योंकि बहुत लोग अभी आपको स्कॉर्ट के नाम पे भी जानते हैं। हाँ अच्छा, ये है, वो पुरानी मेरी हिस्ट्री चलती जा रही है अभी तक। 1987 से 2007, 20 साल में आपने स्कॉट को एक मुकाम दिया है, ऊंचाई दी है, और 2007 से लेकर के आज आप जो ऊंचाई दिए हैं, मेदांता को वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट बनाए हैं, वो निश्चित रूप से लोगों के दिल और दिमाग पे बैठा है। तो कोई डॉक्टर को भगवान के रूप में जानता है, कोई स्कॉट के नाम पे जानता है, जबकि अब तो स्कॉट का भी नाम बदल गया है। हाँ वो तो खैर अब खत्म ही हो गया, अब वो तो छोड़े, पर अब जो ये था कि अब मेदांता में जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जी, उससे बहुत फायदा है क्योंकि हार्ट का तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट मेदांता में ही है जहाँ मैं हूँ, और उसके साथ साथ सारी स्पेशलिटी जुड़ी हुई है। और अच्छी खुशकिस्मती की बात यह है कि जो दुनिया के सबसे जाने माने डॉक्टर थे वो मिल गए साथ मेदांता में, तो उसका ये जो हमारे जो रिजल्ट निकल रहे हैं वो विश्व में के एक मुकाबले से आ गई हैं, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। और आप लोगों की आशीर्वाद है कि ये शुभकामनाएं आप लोगों की मिलती रहती हैं और जो सेवा का मौका मिलता है तो बहुत अच्छा है। तो आज के दिन मतलब जो ये मौका है हमारे मध्य प्रदेश और यूपी के भाइयों से संपर्क करने का, ये जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नया तरीका तौर तरीका कोविड ने हमें सिखाया है, उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं पर थोड़े बहुत फायदे भी हैं कि ऐसे संपर्क हजारों लोगों से हो जाता है, क्योंकि वैसे उनके उनसे वैसे मिलना या उनसे बात करना नामुमकिन होता है इतने लोगों से इकट्ठे बात करने का। तो आज आप जैसे आप लोगों ने ये निमंत्रण दिया
तो आज मैंने सोच ये जो क्योंकि जो ये संक्रमण फैल रहा है उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूं कि अपने लोगों की के क्या बैकग्राउंड है और क्या आज की स्थिति है और क्या आने वाली है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे आज। जी उसके बाद अगर जो भाई लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो मैं आंसर करूंगा, जो जो भी क्वेश्चन आप उचित समझें कि जिनके जवाब देने चाहिए तो वो करते हैं। तो इसलिए जब आप आदेश देंगे तो मैं शुरू कर दूंगा। जरूर डॉक्टर साहब, आपसे ही लोग रूबरू होना चाहते हैं, मैं तो केवल बीच का माध्यम हूं। आपके द्वारा जो एक सामान्य व्याख्यान होगा कोविड के बारे में, और अब तो आफ्टर कोविड की यदि हम बात करें तो उसकी चर्चा ज्यादा होगी। अभी ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है। इस 2 महीने के लॉकडाउन पीरियड के बाद लोग घरों में बंद हैं, जिनको छोटी छोटी बीमारियां हैं, जिनको सीरियस बीमारियां भी हैं, डर के मारे वो घर से नहीं निकल रहे हैं। इस पोस्ट कोविड में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपके विचार हो। पूरी टीम के बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनकी तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के द्वारा जो यह मुहिम चलाई गई है कि हम जिस एरिया के लोगों से आज आपको जोड़ रहे हैं, वहां से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर देश के अलग अलग कोने में आते हैं, खास करके उत्तर भारत में, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, नोएडा और कश्मीर तक यहाँ के लोग जाते हैं। उन सब मजदूरों का, श्रमिकों का, भाई बहनों का अपने क्षेत्र में जाना हो रहा है, और गांव में एक भय की स्थिति बन रही है। लोग बड़े भयभीत हैं कि क्या होगा, कितनी चेकिंग होगी, नहीं होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे साथ जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको आप अपना मार्गदर्शन प्रारंभ करें। हाँ, सो पहले तो मैं उन लोगों को जो इससे वंचित हुए हैं, जिससे जिनको काफी तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है और वो इस 2 महीने की लॉकडाउन में जिनको जिनको ऐसी ऐसी तकलीफें आई जिसका कोई अंदाजा नहीं है, उन सबको मैं एक तो अपनी दिलों से हमदर्दी जताना चाहूंगा कि वो इस तकलीफ के थ्रू गए हैं, पर आने वाले टाइम में होपफुली ये सब ठीक हो जाएगा। तो जैसे ये कोविड आया, ये कोविड तो ये तो पता ही है कि चाइना की लापरवाही और झूठ छुपाने से इसका जो फैलाव हुआ है वो सारी दुनिया में हुआ, जिसको इतना होना नहीं चाहिए था। अगर जो वो ठीक टाइम पे रिपोर्ट कर देते, सच बता देते तो ये अच्छा हो जाता, पर ये बहुत ही बड़ी बड़ी गलती उन्होंने करी है और मैं तो कहूंगा कि एक क्रिमिनल तरीके की एक्टिविटी है। पर एनीवे, जब वो जो हो गया तो ये चाइना से ये हिंदुस्तान में पहुंचा है, डायरेक्टली नहीं पहुंचा ज्यादा, ये पहुंचा है यूरोप, अमेरिका से होता हुआ इटली और ईरान से हमारे यहाँ आया। इसका ये कुछ जो कोविड-19 है, ऐसी ये कोविड इन्फेक्शन पहले भी हुई हैं, पर इतना भयंकर उसका फैलाव नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो नया वायरस आया है ये जो है बहुत जल्दी एक से दूसरे को पकड़ लेता है। तो ये अंदाजा है कि एक जने को अगर जो इसका इन्फेक्शन होगा तो वो 3 जनों को देगा और वो 3 जने जो है वो 3 और को देंगे, तो 9 जने हो जाएंगे और 9 फिर और आगे चलेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करता जाता है। तो ये बहुत अच्छा किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और गवर्नमेंट ने कि काफी जल्दी ही शुरुआत में ही लॉकडाउन कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन का मकसद जो था कि जिस स्पीड से ये फैला है और दुनिया में, अगर जो उस स्पीड को की रोकथाम करी जाए और जिसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन, वो चेन को तोड़ा जाए तो हो सकता है कि हमारे हिंदुस्तान में जिसकी तादाद इतनी ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, तो अगर जो 130 करोड़ लोगों में ये फैल गया तो बहुत ही तकलीफ आएगी हिंदुस्तान में, बहुत महामारी होगी। इसलिए बहुत अच्छा ये स्टेप उठाया गया, इससे बहुत लोगों को तकलीफ हुई है, उनके उनसे पूरी हमदर्दी है, उनसे पूर के उनको तकलीफ हुई क्योंकि वो लॉकडाउन हो गए जहां भी थे, तो अब वो घर भी जा रहे हैं। मैं उस पर बाद में आऊंगा, पर पहले थोड़ा सा इसका बता दूं कि अब हम इससे क्या फायदा हुआ लॉकडाउन से और अब हम कहाँ हैं। तो इस लॉकडाउन की वजह से जो संख्या हमारे यहाँ आज के दिन
120,000 तक पहुंची है। लॉकडाउन के बगैर ये कोई 120,000 की जगह ये 5-10 लाख तक पहुंच सकती थी, तो इसलिए लॉकडाउन तो सक्सेसफुल हुआ। और अब ये है हमारे पास कि आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो सदा के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसरप्ट हुई, लोगों की लाइफ डिसरप्ट हुई। अब तो जैसे बहुत ज़रूरी हो गया कि ये नॉर्मल लाइफ आहिस्ते आहिस्ते लाई जाए कि लोगों को और ज़्यादा इकोनॉमिक तकलीफ ना हो, भुखमरी ना हो, उससे और भी ज़्यादा तकलीफ हो। तो इसीलिए ये अब सोचा गया कि इसको आहिस्ते 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 खोला जाए कि हम एक तरफ पहुँचे कि आने वाले महीने दो महीने में ऑलमोस्ट नॉर्मल एक्टिविटी आ जाए। तो पहला जो किया गया जो बहुत ज़रूरी था वो जो एग्रीकल्चर को, खेती बाड़ी को खोला गया। अब वो खेती बाड़ी पहला सेक्टर था जिसको खोला गया, और उसके साथ जो उसकी जिसको कहते हैं खेत से लेके लोगों के घर की टेबल तक खाना पहुँचाना कि वो पूरी चेन थी, जो आहिस्ते 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 कुछ कठिनाइयाँ भी आई बीच में, पर वो तकरीबन इस्टेब्लिश हो गई है। पर उससे ये भी समझ आई कि जहाँ जहाँ जिस स्टेट्स ने सावधानी से ये मंडियों में सामान पहुँचाया और मंडियों से लोगों ने खरीद के आगे पहुँचाया, उन स्टेट्स में इस जो एक्टिविटी थी उसका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जिस जिस स्टेट में तैयारी नहीं करी और मंडियाँ ओवरक्राउड हो गई और ये जो हम कहते हैं कि तीन चीज़ें जो हैं जो करनी चाहिए थी वो नहीं करी, उसके साथ बहुत ज़्यादा फैलाव हो गया और ये स्पीड बढ़ गई। अब हम उस पॉइंट पे पहुँचे हैं कि हमें ये पता है कि ये इसके तीन पहलू हैं। सबसे पहला पहलू ये है कि ये जो लड़ाई है ये जनता की लड़ाई है, ये किसी को भी नहीं छोड़ता। ये वायरस ये नहीं सोचता कि कोई आदमी अमीर है, गरीब है, किस तबके का है, क्या उम्र का है, क्या उसका भेदभाव है, क्या उसका रिलीजन है, ये किसी को नहीं छोड़ता। इसका मतलब ये है कि सारी जो हिंदुस्तान की संख्या है उस संख्या में से हम सबको मिलके इससे लड़ना है। और उसके लिए क्योंकि आज कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, ये सब डेवलप हो रही हैं, इसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो जो हम दिन रात उसी की बात करते हैं कि हैंड हाइजीन, मतलब कि हाथ धोना है साबुन से 20 सेकंड के लिए दिन में 4-5 बार, और अगर जो कोई ऐसी चीज़ किसे हाथ लगाते हैं जिससे कोई जहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो या कोई खांसा, जिसने खांसा हो उसके ऊपर, फिर हमें उस पर सैनिटाइजेशन या हाथ फिर धोने चाहिए। एक तो ये हैंड हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके कई उदाहरण दिए गए, सारी पब्लिक को अपील करी गई है। दूसरी कि जो मास्क है वो बहुत ज़रूरी है। अब मास्क क्यों ज़रूरी है इसके ऊपर प्रूफ भी है कि अगर जो किसी को ये इन्फेक्शन है और वो किसी शख्स को जिससे नहीं है, वो अगर जो उनके साथ 3 फुट के से कम दूरी पे है और 15 मिनट का कांटेक्ट है, तो जिसको नहीं है उसको लगने का बहुत बड़ा रिस्क है। अगर जो जिसको है बीमारी उसने मास्क पहना हो और उसके साथ जो नहीं जिसको बीमारी वो खड़ा हो, पर 3 फुट के बीच में ही खड़ा हो पर और 15 मिनट के लिए खड़ा हो, तो उसी की बीमारी बिल्कुल आधी हो जाती है, चांस आधा हो जाता है कि उनको भी बीमारी लगे। पर अगर जो दोनों ने मास्क पहना हो और 3 फुट के से कम कमी हो, तो 15 मिनट का से ज़्यादा कांटेक्ट हो, तो बहुत ही कम चांस हो जाता है कि उस जो जिसको नहीं है उसको लगेगी। तो इसी से ये साइंटिफिकली सोचा गया और ये पब्लिक को बहुत ध्यान से इसकी लॉजिक मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि वो ये ना सोचें कि हमें ऐसे बेकार में कह रहे हैं मास्क पहनने को, पर इसका मतलब ये है कि अगर जो दोनों सारे लोग मास्क पहनेंगे और सारे लोग अपना जो फासला है वो 4 से 6 फुट तक रखेंगे और एक दूसरे से 2-4 मिनट के लिए ही बात करेंगे, ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे, तो इस बीमारी के फैलने को की रोकथाम करी जा सकती है। तो ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में है, जनता के हाथ में है कि ये इस बीमारी को की रोकथाम जितनी हो सके उतनी करी जाए हमारी पब्लिक के लेवल पे।
उसके बाद गवर्नमेंट का रोल आता है। गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए कि भैया सबको मास्क पहनना है, जो उल्लंघन करेगा उसको जुर्माना होगा। बार बार यही बात कही जा रही है, तो मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि सबके जहन में ये फैल बैठ जाए कि जो नया नॉर्म हम बताते हैं, नया नॉर्म वही है कि आपने हाथ नहीं मिलाना है, एक दूसरे की को जफ्फी नहीं लगानी है, एक दूसरे के पास जाके बातें नहीं करनी है और मास्क जरूर पहनना है। और इसका एक प्रूफ भी है, वो प्रूफ ये है कि चेकोस्लोवाकिया जो कंट्री है यूरोप में, उसमें गवर्नमेंट ने पहले दिन ही ये रूल बना दिया कि हर एक शख्स को मास्क पहनना पड़ेगा, पब्लिक में मास्क के बगैर नहीं जा सकते। तो आज के दिन में सबसे कम इन्फेक्शन चेकोस्लोवाकिया में है, सबसे कम मृत्यु चेकोस्लोवाकिया में हुई। तो इसीलिए इसका प्रूफ भी है कि अगर जो हम जनता ये अपनाएगी, तो ये जो पोस्ट लॉकडाउन पीरियड हो रहा है, इसमें जिस और भी महत्व आ गया इस बात का, तो ये हमारे पे जो मुसीबत आने वाली है वो कम आएगी। दूसरी तरफ ये है कि डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल पर्सनल जो हमारी है, जो हमारी कौम है, हम तो आज के दिन फौज हैं। जो नॉर्मल जब जब जंग होती है तो सीमा के ऊपर आर्मी लड़ती है, ये जंग जो है ऐसे दुश्मन से है जिस जो दिखाई भी नहीं देता और सारी सारी हिंदुस्तान में फैला हुआ है, और इससे जंग लड़ने के लिए डॉक्टर, पैरामेडिकल पर्सनल, नर्सेज वगैरह ही हैं। तो हम तो दृढ़ से लड़ रहे हैं, हम तो लड़ेंगे भी, पर जनता का साथ बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जो ये संक्रमण ऐसा फैला कि जो हमने इन दो महीनों में फैसिलिटीज तैयार करी गई हैं, जो हमने इक्विपमेंट ली है जैसे वेंटिलेटर वगैरह हैं, वो अगर जो ये जो जिसकी गति जिससे ये फैलेगा वो मध्यम तरीके की होगी, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ बचा सकते हैं। अगर जो ये संक्रमण ऐसा फैला कि लाखों लोगों में इकट्ठे ही बीमारी हो गई, तो बहुत तकलीफ आ सकती है, लोगों की जान भी जाएगी, ये हमें पता लगा है। जैसे आज के दिन भी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में लोग मर रहे हैं, वही मुंबई में भी ऐसा हिसाब हुआ है। तो ऐसा हिसाब हमने हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में नहीं करने देना है। तो अब जैसे बात हुई कि लोग वापस जा रहे हैं, अपने अपने गाँव में जा रहे हैं जो लॉकडाउन में थे, उनको कैसे ट्रीट किया जाए? तो क्योंकि अगर जो आप इसको डिवाइड करेंगे तो मे बी एक विलेज में कोई 10, 20, 50, 100 बंदे आ रहे हैं वापस, उनके लिए जो विलेज के अधिकारी हैं, जो वहाँ की पंचायत वाले हैं, वो ऐसा इंतज़ाम करें कि इनको एक क्वारंटीन, दो हफ्ते की क्वारंटीन में रखेंगे हम, तो ये पक्का पता लग जाएगा कि किसी को बीमारी है कि नहीं है। अगर जो हम ऐसे विलेज में एक जगह बना दें या घर ऐसे अलग कर दें कि जिसके अंदर जितने भी आ रहे हैं वापस, उनको क्वारंटीन करा जाए, दो हफ्ते के लिए अलग रखा जाए और उस पर अमल किया जाए, तो ये उस विलेज में, उस गांव में नहीं फैलेगा। ये तो पक्का पता लग गया कि जैसे लोग जो गए हैं, जिस जिन जिन गाँव ने ऐसा किया है, वहाँ पे ये संक्रमण नहीं फैला। तो इसीलिए अगर जो किसी को बुखार, खांसी, जुकाम वगैरह है, तो उनको जो डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज़ हैं, जो जोनल अथॉरिटीज़ हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो उनकी ट्रीटमेंट भी हो जाएगी, उनकी जान भी बच जाएगी और बाकी लोग भी बच जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा अगर जो हम अमल करें हर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज लेवल पर, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान जीतेगा, हिंदुस्तान सबसे आगे निकलेगा और हम लोग मिलके ये गर्व से कह सकेंगे कि दुनिया में बहुत नुकसान हुआ पर हिंदुस्तान ने ऐसा किया कि हमें अपना नुकसान नहीं करने दिया। अब हम आते हैं कि क्या इसकी क्या उम्मीद है कि क्या होने वाला है आज के दिन में। कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि इससे पूरे विश्वास से ये बीमारी खत्म हो जाएगी उस शख्स में जिसको ये दवाई दी जाए। पर उसके साथ साथ उम्मीद ये है, और ये हमारी हिंदुस्तान की किस्मत अच्छी है कि ये बीमारी पहले और देशों में फैली, उसके बाद यहाँ आई,
तो हमारे को टाइम मिल गया तैयारी का, और दुनिया की जो दवाइयां बन रही हैं उसको हिंदुस्तान में भी बनाने का टाइम मिल गया। तो अगर जो ये जो नई रेमडेसिविर दवाई आई है अमेरिका से, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हिंदुस्तान में शुरू हो रही है, और ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 हफ्तों में ये उपलब्ध हो जाएगी कि अगर जो किसी को कोई बहुत सीरियस इन्फेक्शन होती है, जिनके लिए वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है या उनकी लाइफ खतरे में है, उनको ये दवाई दी जाएगी तो ऐसा लगता है कि वो उनकी लाइफ को बचाने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा इसका, इस दवाई का ये फायदा है कि जो 10 दिन तकलीफ होती है उससे उसको 5 दिन में शॉर्टन कर देती है, तो उससे भी फायदा होगा लोगों को अगर जो किसी बदकिस्मती से ये बीमारी लग गई। दूसरा, जब जैसे हम जानते हैं कि जैसे पोलियो वैक्सीन हुआ था, उससे पहले स्मॉल पॉक्स भी हुआ, कई भी हुए, BCG भी हुआ था TB के अगेंस्ट, वो वैक्सीन असली चीज है जो जनता को बचाती है बीमारी से। पर वैक्सीन को बनाने में और उसको सेफली बनाने में टाइम लगता है। पुराने जमाने में तो 10 साल लग जाते थे, पर आज की नई टेक्नोलॉजी में हमें उम्मीद है कि आने वाले 6 हफ्तों में इसका इसकी उपलब्धि हो जाएगी। 6 महीने और 1 साल के बीच में ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पॉपुलेशन के लिए। और इसमें भी एक बहुत अच्छी बात हुई है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रुप की जो बन रही है वैक्सीन, उसमें हिंदुस्तान में पूना में जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, उसको भी लाइसेंस दिया गया है कि अगर जो ये कामयाब हुई तो इसके बहुत सारे डोज बड़ी जल्दी बन सकते हैं हिंदुस्तान में, कि हमारे लोगों को भी वो बहुत थोड़ी प्राइस में ही उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये सब बातें हुई हैं जो हमारे को उम्मीद देती हैं कि एक तो जनता की दृढ़ता, दवाई का आना और वैक्सीन का बनना, इन तीनों चीजों को अगर जो मिलाएंगे तो हमारे को ये उम्मीद है कि हिंदुस्तान में ये संक्रमण और देशों से कम फैलेगा, हमारी जो मृत्यु होगी, हमारी संख्या वो भी कम होगी, और हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बहुत ज़रूरी है लोगों के लाइवलीहुड के साधन के लिए, वो भी रिज्यूम हो जाएगी आहिस्ते आहिस्ते। तो मेरे अंदाज में ये और मतलब 2 महीने लगेंगे कि एक्टिविटी वापस आए। जैसे आपको पता है कि प्लेन जो है मंडे से शुरू हो रहे हैं, 25 तारीख से ट्रेन भी शुरू हो रही हैं आहिस्ते आहिस्ते, और लोगों ने वापस काम पे आना भी शुरू किया है, फैक्ट्रियां भी शुरू हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन साइट भी शुरू हो गई है। तो उसमें क्या है कि जो जो हमारे मजदूर लोग थे, भाई थे, जिनको गाँव में वापस जाना था, वो फिर आना शुरू कर देंगे वापस, और वो उनके जो साधन हैं अपने अपनी लाइफ के, अपनी फैमिली को बचाने के लिए जो उनकी उनकी इनकम है वो वापस आ जाएगी। तो अगर जो ऐसा हम करते हैं और अपनी अपने तीनों मिलके, गवर्नमेंट, पब्लिक और डॉक्टर और मेडिकल फ्रेटर्निटी मिलके अगर जो जुट के जड़े लड़ेगी, तो यकीनन हमारे आने वाले 2-3 महीनों में ये जंग खत्म हो जाएगा और ये हम उचित तरीके से जीतेंगे। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब आप ये देखेंगे कि जो कोई क्वेश्चंस आप समझते हैं तो मैं खुशी से उनको आंसर करता हूं। जी डॉक्टर साहब, हाँ जी, हमारे बहुत बड़ी संख्या में हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने पहले से भी हमको कुछ प्रश्न भेजे थे, कुछ आपकी बातचीत में उनका समाधान भी आ गया है, लेकिन मैं कुछ प्रश्नों को नाम शायद उद्धृत करना चाहूंगा। एक हमारे मध्य प्रदेश में नौगांव में बड़ा टीबी का सेंटर है, टीबी हॉस्पिटल है, और वहां से हमारे धीरेन सेवरे ने सवाल पूछा है कि टीबी के सिम्टम और कोरोना के सिम्टम, सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह एक से होते हैं, तो हम दवाई देते हैं तो कैसे क्या सावधानी रखें कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो, और हम उनको दवाई देते समय मरीजों को क्या सावधानी रखें? तो ऐसा है कि एक तो जिसको टीबी होती है उनकी बलगम में 50% लोगों की बलगम में वो बैक्टीरिया निकल आता है, तो हम उसको देख के समझ जाते हैं कि ये टीबी है। तो टीबी की दवाई, उचित दवाई दी जाती है। 50% जो लोग हैं उनकी बलगम में बैक्टीरिया नहीं निकलता, तो ये शक तो होता है कि टीबी है, पर उसका कोई पक्का वो नहीं निकलता
कि ये पक्के है कि नहीं है, तो उसके लिए एक्सरे, डिजिटल एक्सरे करना पड़ता है, जिससे पता लग जाता है कि उनको टीबी है उनके लंग्स में कि नहीं है। अब जो कोविड 19 का है चेस्ट एक्सरे और टीबी के चेस्ट एक्सरे में कुछ अंतर दिखता है हमें, और उस अंतर से कुछ आइडिया हो जाता है कि टीबी है कि ये कोविड 19 का शिकार है। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि जो सिम्टम्स हैं टीबी के, टीबी में ज़्यादातर से जो बुखार है वो इतना हाई नहीं जाता, उसको वो रात को उनको पसीना वगैरह आता है और उनकी जो बलगम निकलती है खांसी के साथ, उसके अंदर अगर जो हम टेस्ट करेंगे तो 50% तो वैसे ही पता लग जाएगा। अगर जो कोई शक है तो कोविड टेस्ट जो 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 पीसीआर टेस्ट होता है उससे पता लग जाता है दोनों के बीच में अंतर कि कौन सी बीमारी है, वो पक्का पता करना चाहिए, क्योंकि ये समझते हुए कि टीबी और टीबी की दवाई दे दें तो फिर उनका नुकसान हो जाएगा जिनको कोविड हुआ है। कोविड वालों को ये कि टीबी की दवाई दें और कोविड मिस हो जाए तो वो भी नुकसान है। तो इसीलिए ये इन लोगों के लिए जो भी संख्या में है उनका टेस्ट होना बहुत जरूरी है, और आज के दिन गवर्नमेंट ने ये लैबोरेटरीज हर हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में बनाने का वो किया है कि ये अभी जल्द से जल्द बनेगी। तो अगर जो ये हमारी हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट है वो इसको पक्का पता कर लेगा ये टेस्ट करा के कि ये टीबी है कि ये कोविड का संक्रमण है। तो इसीलिए हम ये जो भाई लोगों ने जिन्होंने पूछा ये बहुत सही बात है, और इसका डॉक्टर बता सकता है जिसको एक्सपीरियंस है टीबी का या लंग डिजीज का, वो बता सकता है कि ये क्या है टीबी है कि ये। तो इसलिए उन डॉक्टर्स के पास जाना जरूरी है जो टीबी का इलाज करते हैं, वो बता भी सकते हैं कि ये कोविड है कि टीबी है। एक दर्शक हमारे मानिक चौरसिया छतरपुर से पूछ रहे हैं कि क्या 3 साल में कई बार निमोनिया हमको हुआ है और अभी भी सर्दी जुकाम जैसा हमेशा रहता है, यदि हम आरोग्य सेतु में सर्दी खांसी के गुण डालते हैं तो हम कहीं पॉजिटिव ना देखें, इसलिए डर के मारे उसमें जानकारी सही नहीं भर पा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा, क्योंकि सर्दी जुकाम में सीजन चेंज होता है, अधिकांश लोगों को होता है, एक बहुत बड़ा लोगों के मन में डर भी है, कन्फ्यूजन भी है, और चाहते हुए भी अपनी सर्जन वगैरह दवाई ही घर में लेके काम चलाते हैं, तो ये कितना सही है कितना गलत है? ये काफी खतरनाक है ये बात। पहली बात तो जैसे हमने ये आजकल गवर्नमेंट का भी एक मैसेज आ रहा है टीवी के ऊपर कि हमें कोविड को हटाना है, अपने जो जिन किसी को हो जाए उससे लड़ाई नहीं करनी है, हमें कोविड से लड़ाई करनी है। तो ये जो है ये बीमारी ऐसी है कि ये इसमें कोई किसी का कसूर नहीं है, इसमें किसी को ये शर्म नहीं आनी चाहिए कि मेरे को हो गया है जो, और ये हमारे सोसाइटी का भी है कि उनको अछूत की तरह ना ट्रीट करें, उनकी उसके पूरे जो प्रोटोकॉल बने हुए हैं कि कैसे आइसोलेट करना है, आइसोलेट करके वो अपने आप ही रिकवर हो जाएंगे 95%, 5% 7% को हॉस्पिटल या आईसीयू में जाने की जरूरत पड़ेगी, तो उनमें से भी सिर्फ 1-2% की जान को खतरा होगा, बाकी बच जाएंगे। तो इसीलिए एक हमने देखा है इसमें कि छोटे बच्चों को जो 10 साल की उम्र से कम है और बुजुर्गों को जो 65 साल से ऊपर उम्र है उनको बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना है, हमें गांव में भी उनको ऐसी जगह रखना है कि जहां आना जाना लोगों का ना हो, और जब भी कोई उनके पास भी आए चाहे घर का ही आदमी आए तो वो अपना मास्क पहन के आए, कि उनको ये जरूर प्रोटेक्शन देनी है क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर जो उनको ये इन्फेक्शन होती है तो उनकी लाइफ को खतरा डबल है जो नॉर्मल पॉपुलेशन है जो यंग लोग हैं। ये जो आपने बात कही ना कि ये बहुत जरूरी है कि आप रिपोर्ट करें और अपने आप का इलाज कराएं और आप ठीक हो जाएंगे,
अगर जो आपने छुपाया और आपका इलाज नहीं हुआ तो आपकी लाइफ को खतरा 10% हो जाएगा, जिसको इलाज होगा उसको 1-2% खतरा होगा। तो इसीलिए ये अपने मन से ये बात निकाल दें कि इसको ये मैं बताऊंगा तो मेरे अगेंस्ट लोग कहेंगे कि देखो उसको हो गया, कोई अछूत की बात नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है, ये इसका तो लाइफ ही 10-12 दिन है। एक हमारे सिंघई संजय जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना सचमुच में प्राणघातक रोग है और इसका डर प्रोफेशनल्स लोगों में बहुत ज्यादा है, एडवोकेट हैं, सीए हैं, इनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा है, हमें आगे समय में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? देखो मैंने जैसे पहले भी बोला और अब फिर दोहराता हूं कि हम अपनी अपनी सावधानी वही 3 चीजें ही हैं, अपने हाथ साफ रखें, मास्क पहने जब भी घर से बाहर जाएंगे, और लोगों के साथ जुड़ना नहीं है, अपना डिस्टेंस रखना है। अब हमने कोर्ट वालों को भी, जो जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वालों ने भी ये सारे साधन समझ लिए, ये टीवी पे, रिमोट आईटी पे ये आजकल हियरिंग्स हो रही हैं। हम ये भी डिसाइड किया गया कि हर एक केस के लिए जो कोर्ट में होगा उसके अंदर 2 लॉयर और 1 जो लिटिगेंट है वो ही जा सकता है अंदर, जनता पूरी अंदर नहीं जाएगी, उनके हाथ सैनिटाइज किए जाएंगे, उनको मास्क पहनाए जाएंगे, तो लॉयर्स की भी सेफ्टी होगी, जजेस की भी सेफ्टी होगी और जिसका मुकदमा चल रहा है उसकी भी सेफ्टी होगी। तो ये सब साधन ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं, हमें सिर्फ इनका पालन करना है। हमारे को लॉयर भाई हैं जो सीए हैं, जो इनकम टैक्स वालों के पास जाते हैं, उनको अगर जो वो अपना ये 3 चीजों को अपनाएंगे तो उनको इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक दो लोगों का एक सा सवाल है, एक दीपन वर्मा हमारे नौगांव के हैं, इनका कहना है कि कुछ महीनों में रूटीन सर्जरी हार्निया आदि के लिए, किडनी स्टोन के लिए हमें अस्पताल में जाना है तो कितना सुरक्षित है? ऐसे ही एक दूसरे ऐसे ही जुड़ा हुआ सवाल है, दोनों को बोलता हूँ कि हमारे ट्रस्ट के द्वारा 20 महीने पूर्व एक कैंप लगाया गया था, तो डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव मेदांता इंदौर ने उनका ASD सर्जरी की थी, अभी उनको कुछ ज्यादा खतरा है या उनको कुछ अलग से बचाव करने की जरूरत है डॉक्टर साहब? नहीं, उनको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, जब एक बार वो होल को बंद किया जाता है ASD को, फिर उसके बाद स्वस्थ हो जाता है आदमी, उसका कोई फिक्र नहीं होता। पर ये मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ, जो लोगों ने अच्छा सवाल पूछा कि जैसे मेदांता है गुड़गांव में, मेदांता है इंदौर में, मेदांता है लखनऊ में, हमने उनको बिल्कुल नॉन कोविड हॉस्पिटल रखा है, उसके अंदर कोई कोविड पेशेंट है ही नहीं, इसीलिए कि जिन लोगों को तकलीफ है दूसरे तरीके की उनका भी तो इलाज होना है, तो इसीलिए हमारे हॉस्पिटल में कोविड नहीं है, हमने एक अलग कोविड हॉस्पिटल बना लिया 10 किलोमीटर दूर, जहां पे सारे कोविड पेशेंट की ट्रीटमेंट वहां हो रही है। तो इसीलिए आज के दिन में कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है हॉस्पिटल में, और डॉक्टर सारे मौजूद हैं और पूरी हिफाजत हो रही है लोगों की, क्योंकि ये हुआ है कि जिनका हर्निया था वो हर्निया वेट करते करते वो हर्निया स्टिक हो गया, इंटेस्टिन की गैंग्रीन होने लगी, फिर वो इमरजेंसी में आ रहे हैं, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है वो घर पे ही बैठे रहे, हार्ट अटैक हो गए या लाइफ चली गई, तो ये हम नहीं चाहते कि ऐसे लोगों का नुकसान हो। तो आज के दिन में आप बिना फिक्र के जाएं हॉस्पिटल में, अपना इलाज कराएं, पर वो हॉस्पिटल जिनके अंदर नो कोविड कोई नहीं है, जैसे हमारे मेदांता में नहीं है। डॉक्टर साहब एक हमारे प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं कि गर्मियों में शायद कोविड का संक्रमण कम होगा, ऐसी एक मिथक धारणाएं घूमती हैं, धूप में बैठेंगे, परिश्रम करेंगे थोड़ा, इसलिए शायद नहीं होगा। इसी प्रकार किसी ने कहा है कि क्या हम परिवार में, एक परिवार में 3-4 लोग रहते हैं, घर में भी मास्क लगाने की जरूरत है क्या, AC चलाएं या ना चलाएं, ऐसी कई मिथक और भ्रांतियां हैं जिनके बारे में मनीष शुक्ला और हमारे विवेक चतुर्वेदी दो लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, तो एक तो बात यह है कि पिछले जो वायरस आए हैं उनमें कुछ ऐसा लगता था, हुआ था कि जब पूरी गर्मी पड़ती है, जब टेम्परेचर 40-45 पे पहुंच जाता है,
तो वो वायरस जो है वो उस टाइम के लिए कम हुए थे, पर फिर जब वो गर्मी ठीक होती है तो फिर वापस आ जाते हैं। इसका इसको क्या होगा, इस कोरोना COVID-19 को, इसका कोई पता नहीं है। लगता है ये फायदा होगा नहीं होगा ये कोई पता नहीं है, इसलिए उसके ऊपर हमें भरपूर नहीं होना है और ना ही धूप में बैठने से फायदा होगा। हाँ, घर के अंदर जब आप लोग 3-4 जने हैं तो अगर जो आप लोग किसी को भी कोई खांसी जुकाम छींक वगैरह आ रही है तो उनको मास्क जरूर पहनना चाहिए कि और लोगों को वो बीमारी ना लगे। अगर जो हमको पता है कि जो हमारे घर के परिवार के लोग हैं वो बाहर नहीं गए हैं, वो किसी विदेश नहीं गए थे, अभी हाल में वापस नहीं आए हैं, या उनका कांटेक्ट किसी बाहर वाले से जिसको बीमारी है उससे नहीं हुआ है, तो घर में मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। ओनली जब कोई खांसी जुकाम की संभावना लगे तो उस टाइम जरूर पहन ले, उससे पहले छू। पर अगर जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे घर में, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं लगेगा, वो तो एसिम्प्टोमेटिक हो भी जाएगा इन्फेक्शन, वो औरों को इन्फेक्शन दे भी देंगे पर खुद ठीक हो जाएंगे तो उनको पता ही नहीं लगेगा कि उनको हुआ था। तो अगर जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है या कैंसर है, उनसे दूर रहें, उनको थोड़ा डिस्टेंस में रखें हर अपने घर के लोगों से, और उनके पास अगर जो जाना भी हो तो मास्क पहन के जाएं कि उनकी प्रोटेक्शन ज्यादा हो, ये अच्छा। और दूसरी बात यह है कि व्यायाम आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो हर एक आदमी को इस पीरियड में एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे घर में भी हो चाहे छोटा घर भी हो, उसमें तो योगा और जैसे सूर्य नमस्कार वैसे कर सकते हैं। अगर जो 30 सूर्य नमस्कार आप कर सकें जब तक पहुंच वो 30 तक पहुंच जाए, तो ऐसा होगा कि आपकी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, आपके मसल बिल्कुल बिल्ड हो जाएंगे और आपकी इम्यूनिटी ज्यादा से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब बीमारी होने का खतरा एकदम कम हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि एक घर में बैठे नहीं रहना चाहिए, एक्टिव ही रहना चाहिए घर के अंदर। हमारे सतना से कुछ दर्शक प्रोफेसर जीपी रिछारिया, कामता पांडे, उत्तम द्विवेदी पूछ रहे हैं कि आने वाले मौसम में, अभी बरसात लगेगी, कुछ मौसम जन्य बीमारियां होती हैं, एक फेज से दूसरे फेज में जाते हैं तो सर्दी जुकाम डायरिया इन सब चीजें होती हैं, इनके साथ कोविड का क्या असर होगा या हमें इसके साथ प्रिकॉशन लेने की जरूरत होगी? प्रिकॉशन लेने की जरूरत तो इसलिए होगी कि अगर जो किसी को जैसे फ्लू हो गया, निमोनिया हो गया, तो उसको उसकी लाइफ को ज्यादा खतरा होगा कि कोविड उसके ऊपर लग गया तो वो डबल बीमारी होगी। इसीलिए हमें पूरी सावधानी यूज करनी है, जब मौसम चेंज होता है उसके अंदर बिल्कुल सावधानी करनी है, क्योंकि नहीं करेंगे तो डबल खतरा हो जाएगा। तो इसीलिए इस मैं बार बार हम घूम फिर के उसी बात पे आ जाते हैं कि पब्लिक अपने आप को प्रोटेक्ट करे। अगर जो आप जी प्रोटेक्ट करोगे तो ये नहीं होगा आपको, आप बच जाओगे। अगर जो आप लापरवाही नहीं करोगे, बाजार में नहीं जाओगे बिना मास्क के और कहीं भीड़ जगह में जाओगे तो तकलीफ हो सकती है, नहीं तो होने का चांस बहुत कम है। अब आपने किसी ने पूछा ये कि एयर कंडीशनिंग के बारे में बात आपने पूछी, जी इसका मैं जवाब जी कि घर के अंदर अगर जो सब स्वस्थ हैं और आप एयर कंडीशनिंग चला रहे हैं तो कोई उसका नुकसान नहीं लगता, आज तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। अगर जो आप भीड़ में जाते हैं तो उस एयर कंडीशनर जो, क्योंकि अगर जो एक कमरे में आप 20 जने भर दोगे तो फिर वो हवा जो है वो कंटेमिनेट होगी होगी, तो फिर इसीलिए उसमें ना ही के सिर्फ कोविड का खतरा है और बीमारियों का भी खतरा है। तो इसीलिए क्राउडेड स्पेस से आप दूर रहें, अपने घर में जो है 2-3 जने बैठे हो एक एयर कंडीशन कमरे में तो उसका कोई नुकसान नहीं लगता अभी, पर अगर जो ज्यादा लोग कोई बाहर से आता है तो आप सब मास्क पहने, अगर जो आपके घर के अंदर कोई आता है, और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। बाहर जाना है तो बिना मास्क के नहीं जाना है। मास्क जो अब ये भी पूछते हैं लोग कि भाई मास्क किस तरीके का होना चाहिए, तो आप पता नहीं आप जब सब लोग सुकेश जी को देख रहे हैं कि नहीं, जिन्होंने हरे रंग का क्लॉथ मास्क पहना हुआ है, 3 लेयर का क्लॉथ मास्क बहुत अच्छा नहीं होता है। है। हाँ बिल्कुल, आपके घर में बना हो या वैसे मिल भी रहे हैं बाजारों में, ये 3 मास्क अपने पास रखें, एक को दिन में पहने, रात को उसको धो के सूखने डालें सुबह, और
और दूसरा मास्क पहने और तीसरा, वो जो सूख जाएगा तो वो तीसरा मास्क काम आएगा आपके। सो ये 3 दिन की साइकिल बन जाएगी और आप अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। तो ये तो घर की बात है कि आप हर एक के पास घर में मास्क हो सकता है तो बनाना चाहिए या ले आना चाहिए और इसको पहन के रखना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे एक और दर्शक सतना से कृष्णा पांडे पूछ रहे हैं कि सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग ज्यादा बढ़ रहा है और कई जगह पानी है तो साबुन का प्रयोग भी हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है उसका उपयोग करने के कारण बचते भी हैं, तो इसमें सैनिटाइजर कितना यूज करना या साबुन कितना यूज करना, इसके बारे में स्पेसिफिक इनका सवाल है। हाँ, तो ऐसे है कि हमारी ये रेकमेंडेशन है कि दिन में 4 बार और 4 से 5 बार अपने हाथ धोएं आप 20 सेकंड के लिए साबुन के साथ। वो 20 सेकंड के लिए उसकी 6 मूव्स हमने दिखाई हुई हैं कि कैसे करना है। तो पहले तो अगर जो आप अपनी हथेली में डालेंगे और उसको आप रब करेंगे, उसके बाद उंगलियों के बीच में ऐसे करेंगे दोनों पीछे से आगे से, फिर उसके बाद ऐसा करेंगे अपने अंगूठे को करेंगे और फिर अपने उंगलियों के टिप्स को करेंगे ऐसे, तो ये 6 मूव्स हो जाएंगी जिससे आप अपना सारा जो हाथ है, सारी सरफेसेस जो हैं वो साफ हो जाएंगी। इसको 20 सेकंड के लिए लगता है, चार चार ये जो 6 मूव्स को करने के लिए जो जैसा मैंने दिखाया, वो अगर जो आप दिन में 4-5 बार करेंगे तो वो आपके लिए सेफर रहेगा। अगर जो आप कोई ऐसी सरफेस को छूते हैं जिसमें आपको डर है कि पब्लिक में से किसी ने कुछ छुआ हो या जिसको इन्फेक्शन हो या छुआ हो, तो फिर सैनिटाइजर यूज कर लें, चाहे दिन में 8-10 बार भी करना पड़े, उसका कोई नुकसान नहीं है। एक सवाल और है कि आने वाले जुलाई महीने से स्कूल शुरू होंगे और अभी कई स्कूल में बड़ी क्राउड रहती है, एक एक क्लास में 60 से 70 तक बच्चे रहते हैं। ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों को सैनिटाइज का उपयोग करने से कहते हैं इम्यूनिटी पावर कम होता है, इनके बारे में कुछ सावधानियां अपनी तरफ से या आगे क्या करना चाहिए? ये बड़ा सवाल आने वाला है। ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये डिसीजन जो है ये एंड जून में होगी कि स्कूलों को खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। और अगर जो खुलेंगे स्कूल तो बड़े बच्चे जो हैं वो पहले जाएंगे, छोटे बच्चों के लिए नहीं खोलना चाहिए राइट अवे। पहले एक्सपीरियंस हो जाए बड़े बच्चों का, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है और अगर जो उनको कभी किसी बुरी किस्मत से हुआ भी तो उनकी रिकवरी अच्छी हो जाती है। तो ये देखना पड़ेगा कि सेफ है कि नहीं स्कूल खोलना, ये जून के एंड में पता लगेगा। जब हमें पता लग जाए कि आंकड़े क्या हैं, पीक है नहीं है, कितना फैला हुआ है, किस एरिया में खोलना है किस एरिया में नहीं खोलना। अब जैसे अब आप हम बात कर रहे हैं अगले हफ्ते जो है ये जो लॉकडाउन 4 एंड होगा, इसमें कई एरिया होंगे जिनको फिर भी लॉकडाउन रखना पड़ेगा। उसके बावजूद, उसके बाद भी जो जो हॉट जोन्स हैं या रेड जोन्स हैं, तो ये हमारे को ये देखेंगे आप कि 2 हफ्ते लगते हैं अगर जो किसी एरिया में फैला हुआ है तो, अगर जो उसको लॉकडाउन करेंगे। जैसे भीलवाड़ा में कई महीने पहले, 2 महीने पहले ये एक्सपीरियंस हुआ था भीलवाड़ा में, कि लोगों ने उसको, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उसने बिल्कुल उसको लॉकडाउन कर दिया, तो 2 हफ्ते के बाद कोई केस ही नहीं बचा वहां पे। अगर जो हम ऐसा ऐसा ध्यान रखेंगे कि जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको लॉक्ड अप रखेंगे, तो उम्मीद पूरी है कि ये जो ये संक्रमण है ये कम फैलेगा। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान से आगे चलना है। हिंदुस्तान में अगर जो ये आग की तरह फैल गया तो हमारे पास इतने साधन नहीं है इतने लोगों को ट्रीट करने के लिए। तो इसीलिए अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी फैमिली की जान को बचाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए हम सबका साथ चाहिए। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर भी बार बार ये कहते हैं, सब लोग ये कहते हैं, हम सारा दिन टीवी पे जाके सारे डॉक्टर्स यही चर्चा करते हैं कि कैसे अपने आप को बचाना है। आपकी बहुत जरूरत है कि इस जंग में सबका साथ रहे और सबकी सेफ्टी रहे और सबको ये साधन मिले अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा सवाल है कि अभी गांव-गांव में लॉकडाउन खुलने के बाद
चाट पकोड़े, छोटे किराने, परचून मोहल्ले की दुकानें सबसे पहले खोल दी गई हैं। और जैसा कि वार्ता में आया कि रुपए को छूने के कारण उसमें इन्फेक्शन सर्वाधिक होता है, और पैसा एक ऐसी चीज है जिसको आदमी सबसे अंदर छिपा के पॉकेट में रखता है, जेब में छिपा के रखता है, उसको लेन देन में रखने में किस तरह की सावधानी बरतें। एक श्रीराम रिछारिया हमारे दवर्रा गांव के दर्शक हैं, उनके द्वारा ये सवाल आया है, उनको जरूर कुछ उत्तर दें। देखो ऐसा है कि ये सवाल हमारे सबके दिमाग में है और इसके ऊपर पूरी दुनिया में ये मतलब सवाल पूछा गया है, पर आज तक कोई ऐसा केस नहीं निकला है कि पैसे को हाथ लगाने से कोरोना हुआ है किसी को। तो इसीलिए ये कोई इसमें कोई खतरे की बात लगती नहीं है, पर कई लोग उसको सैनिटाइज कर लेते हैं। आजकल तो पेटीएम भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, रुपए भी चल रहा है, कई कई चीजें हैं जिससे ये आसानी से पेमेंट्स हो सकती हैं, पर कोई ऐसा अभी तक नहीं केस निकला है जिसको रिपोर्ट किया गया हो या कई केस निकले हो कि भाई रुपए को हाथ लगाने से किसी को ये इन्फेक्शन हुआ है। पर जब हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो प्रिवेंशन में हम कई चीज़ों का की सावधानी यूज कर रहे हैं जिसका कोई अभी पता नहीं, पर चांस क्यों लिया जाए। अब जैसे हमारे पास कोई पैकेज आता है बाहर से, कोई पैकेज आया तो हम यही कहते हैं कि उसको सैनिटाइज करके 10 मिनट बाहर रख दें, उसके बाद उसको आप खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये जरूर है कि सरफेस के ऊपर वायरस तो पाया गया है, पर जो वायरस इतना कम होता है कि वो लगता नहीं कि पूरी बॉडी को वो ओवरवेल्म कर दे। ये आज के दिन में साइंस का ख्याल है। डॉक्टर साहब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत सारे पत्रकारों का समूह हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आज छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े अखबार निकलते हैं, उनकी अपनी एक अहमियत होती है। यदि मैं सच्चे अर्थ में कहूं तो सर्वाधिक प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है, क्योंकि लोगों ने अखबार खरीदना बंद कर दिया इस डर के कारण कि कहीं उससे वायरस ना आ जाए। ऐसे ही अखबारों के संपादक संजय साय, राजू सरदार, पप्पू गुप्ता, मंटू खरे, प्रवीण गुप्ता, अवधेश जी, ऐसे बहुत सारे अखबारों के संपादक और मालिक जुड़े हुए हैं। उनको एक आपका टिप्स जो है कि अखबार पढ़ना कितना, बेचारे पीडीएफ मोड पर सबको आजकल व्हाट्सएप के थ्रू अखबार जाने लगा है, और दैनिक भास्कर तो बराबर विज्ञापन निकाल रहा है कि कोई संक्रमण नहीं। इसका कुछ साइंटिफिक अभी तक आया है कि आप तो रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, प्रकाशित करते हैं, बात होती है आपकी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये देखो ऐसा है, एक तो मैं अखबार की बात करूं तो कोई अभी तक प्रूफ नहीं निकला के अखबार के माध्यम से ये इन्फेक्शन किसी को हुई है, पर ये डर जरूर है। जैसे मैंने बोला तो आप अखबार पढ़ेंगे तो अखबार को अलग कर दें उसके बाद पढ़ने के बाद, और अपने हाथ धो लें तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर जो कुछ है भी उसमें अंदर तो वो लग जाएगा। हाथ तो वैसे भी धोने चाहिए अखबार के बाद, क्योंकि अखबार कहाँ कहाँ से होके आती है, उस पर कई इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसीलिए अखबार को पढ़ने के बाद ये तो हमारी आदत बन ही जानी चाहिए कि आप अपने जाके हाथ धोएं अच्छी तरह से, क्योंकि अखबार कंटेमिनेटेड ही आती है, चाहे उससे वायरस लगे ना लगे। तो इसीलिए अखबार पढ़ना तो मेरे को लगता नहीं कि खतरनाक है, पर अपने हाथ धोना उचित है। दूसरी बात यह है कि अब आप देखेंगे कि कोविड के बाद कई न्यू नॉर्म्स निकलेंगे, जैसे अब डिजिटल, जैसे हम आप अभी संपर्क हो रहा है हमारा, अब ये कभी हम यूज करते ही नहीं थे। हम तो सोचते थे कि किसी दिन जाके वहाँ लेक्चर देंगे, वहाँ 100-200 बंदे आएंगे, सुकेश जी सारा टाइम ऐसे ही ऑर्गेनाइज करते थे। अब तो हजारों लोगों से आप भी घर बैठे हैं, हम भी अपने काम से काम कर सकते हैं और बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। एयरप्लेन से जाने की जरूरत नहीं है, ट्रेन में जाने की जरूरत नहीं है। पर पूरी बात हो गई, सारा जो भी ये नॉलेज एक्सचेंज करना था वो हो गया। आप लोगों ने हमसे पूछा, हमने आपको बताया जो भी कुछ बताया। तो इसीलिए ये न्यू नॉर्म हो जाएगा, इसके ऊपर प्रभाव हर एक के ऊपर पड़ेगा। जो जो हर चीज के लिए जो है, जैसे हम आपको बताएं कि आज के दिन हम 400 से 500 टेली कॉन्सर्ट टेलीविजन ये वीडियो के माध्यम से करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो लोगों को जिसको जरूरत है वो हॉस्पिटल आने की जरूरत है, जिसको नहीं है उसको तो हम वहीं घर पे ही बता देंगे। तो ये इससे बहुत फायदा होगा लोगों का कि ये जो नया नॉर्म हो गया है ये हमें अपनाना चाहिए कि भाई अगर जो अननेसेसरीली हमें अपने जो आप ये देखोगे
कि आज के दिन जो रात को तारे दिखते हैं, हमारे कई युवा हैं जिन्होंने कभी तारे देखे नहीं रात को, क्योंकि वहां इतनी पोल्यूशन है। तो इस वायरस ने हमें एक नई चीज सिखाई है कि अगर जो हम ज्यादा मतलब पोल्यूशन नहीं करेंगे तो हमारा ये एनवायरनमेंट अच्छा है, हवा भी मतलब साफ ब्रीथ करने को मिल रही है। तो इसीलिए हमें अननेसेसरी चीजें नहीं करनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाए, जो चीजें जरूरी है उसको जरूर करना है। अब किसी को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, जैसे पेशेंट होगा उसको तो आना है हॉस्पिटल, पर अगर जो हम उसको पहले ही कंसल्टेशन कर रहे हैं तो पूरी बात समझ लें, उनको भी समझ आ जाए क्या करना है, तो उनकी दो ट्रिप की जगह एक ट्रिप हो जाएगा, उनको पहले आके दिखाना फिर घर जाके फिर वापस आना, उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, इसमें खर्चा भी कम हो जाएगा, उसपे पेट्रोल भी कम लगेगा, एनवायरमेंट भी कम गड़बड़ होगी, लोगों को तकलीफ भी कम होगी। तो इसीलिए इसमें कई ट्रांजैक्शन है जो हम घर बैठे बैठे कर लेंगे, या हम हॉस्पिटल में हैं, आप घर पे हैं, जो लोगों को दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े दफ्तर खोलने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स कम हो जाएगी। आप देखोगे कि आज के दिन में एक नया मौका है हमारे पास, वो मौका ये है कि चीन से लोग भाग रहे हैं, क्योंकि दो बातें हैं, एक तो चीन का से भरोसा उठ गया लोगों का, और उठना चाहिए भी, तो वो रिएक्शन जो है उसकी वजह से हिंदुस्तान को अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो लोग वहां जाते थे भाग भाग के मैन्युफैक्चरिंग करने, वो हिंदुस्तान आ सकते हैं अगर जो हम उनके लिए एक ऐसा ऐसा साधन बनाए कि वहां यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एफिशिएंटली हो सकती है, टैक्स एफिशिएंट हो सकती है, कॉस्ट एफिशिएंट हो सकती है। अब कॉस्ट एफिशिएंसी की तो मैं अभी हम देख रहे हैं कि अगर जो आधी कॉस्ट तो बची गई, जो जिसको 2 घंटे काम पे जाना है वापस आना है, उसको 8 घंटे का काम करना है, 12 घंटे लगे, तो वो तो आज अपने 8 घंटे घर से काम कर सकता है, जो उसको जिसको जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है वो जाएगा, पर उसको आधा ट्रैफिक मिलेगा रास्ते में, वो भी ठीक टाइम पहुंच जाएगा। तो ऐसे इसके कई कई फायदे हमें ढूंढने हैं कि भाई कैसे हमारी लाइफ को ये इम्प्रूव किया जाए, हमारी फैमिली लाइफ टाइम भी बढ़ जाएगा, खर्चा भी कम हो जाएगा। तो इससे तकलीफ कई लोगों को तकलीफ होगी कि होटल्स को की ऑक्यूपेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस के लिए ज्यादा लोगों को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, गाड़ियों की कम जरूरत ज्यादा थोड़ी कम हो जाएगी, पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो जाएगी, डीजल की कंजम्पशन कम हो जाएगी, इससे एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। तो इसके कई फायदे भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो संक्रमण खत्म हो जाएगा आने वाले 2-4-6 महीने में, पर हमारी लाइफ तो आगे बेहतर हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, जो अभी थर्मल स्क्रीनिंग शुरू हुई है, हमारे प्रदीप खरे मंटू और सतना से हमारे योगेश ताम्रकार, मणिकांत माहेश्वरी का कहना है कि क्या रेड जोन इलाके से आने वाले व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग मात्र करवाई जाती है? क्या है मात्र जांच ही व्यक्ति को क्लीन चिट देने के लिए पर्याप्त है? इसके अलावा और कौन सी जांच करानी चाहिए? थर्मल स्क्रीनिंग का सिर्फ एक ही मतलब है कि उस समय किसी आदमी या लेडी या जो भी शख्स है, उसका जो टेम्परेचर है वो 97.4 से ऊपर है कि नहीं। 98.4 नॉर्मल टेम्परेचर होता है, या सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री से ऊपर है कि नहीं। तो वो तो अभी उस टाइम अगर जो किसी को बुखार होगा तो पता लग जाएगा, पर उसको अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता लगेगा। जैसे हम बोल रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक भी है, तो उसके लिए जो मैस टेस्टिंग करी जाती है वो एंटीबॉडी टेस्टिंग करी जाती है, जिसको रैपिड टेस्ट कहते हैं। उसके भी अपने लिमिटेशन है। अगर जो किसी की रैपिड टेस्टिंग करी गई और उसके अंदर एंटीबॉडी मिली जो कोविड के अगेंस्ट है, तो उसका मतलब इसको इन्फेक्शन हुआ था, वो रिकवरी हो गई है, बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो ये सेफ है। जिसका नेगेटिव आएगा तो ये तो पता ही नहीं कि उसको, अभी उसको ये पता जरूर लग जाएगा कि अभी लास्ट 7 डेज में इसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। पर अगर जो, क्योंकि 7 दिन लगते हैं उसको पॉजिटिव आने में, तो इसलिए ये सब साधन हैं जो हेल्प करते हैं, पर फुल प्रूफ कोई नहीं है अभी, एक्सेप्ट पीसीआर टेस्ट। जो पीसीआर टेस्ट
वो भी 2-4 दिन में पॉजिटिव हो जाता है तो उससे पता लग जाता है कि किसी को ये संक्रमण है कि नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सबके प्रोफेसर मनीष सिंगल भोपाल से पूछ रहे हैं कि घर में पालतू जानवर डॉग्स आदि कैट काऊ रहते हैं, क्या इनसे भी बचने की जरूरत है, इनसे कुछ हो सकता है? और इनकी माताजी एक सवाल पूछ रही हैं कि क्या हमारे इम्यून सिस्टम में यदि कमी है, बुजुर्ग हैं, तो हमें और इन जानवरों से दूर रहने की जरूरत है या हम गाय वगैरह की सेवा कर सकते हैं? देखो ऐसा है कि आज के दिन कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि जानवर से, जैसे पशु पशु हैं हमारे घर के या कोई कुत्ते बिल्ली हैं घर के, उनसे किसी को इन्फेक्शन हुआ हो, आज दुनिया भर में कोई एविडेंस नहीं है। पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो लोग हैं बुजुर्ग और जिनकी इम्यूनिटी लो है, इस टाइम में उनको सावधान रहना है और चांस नहीं लेना है। तो अगर जो दूर ही रहे पशु पक्षी, क्योंकि और भी इन्फेक्शन होती हैं इस जमाने में, थोड़े थोड़े और मतलब डिस्टेंस रखें तो अच्छा रहेगा, सेफ्टी रहेगी, क्योंकि चांस नहीं लेना है हमें किसी के अपनी लाइफ के ऊपर। हमें लगता है समय होगा तो सुकेश जी सारा कर देंगे। दो महत्वपूर्ण सवाल हैं कि अधिकांश लोगों को, एक हमारे पंकज खरे ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमारे को हमेशा सर्दी जुकाम और धूल आदि की एलर्जी रहती है और उसके कारण एलर्जी होती है, सवेरे होती है, 2 दिन बाद ठीक हो जाती है, लगभग यही लक्षण कोरोना के भी है। और ऐसी हमें लगता है 80% लोगों को आजकल डस्ट एलर्जी वगैरह से प्रॉब्लम होती है, ऐसे को हम डिफाइन कैसे करें कि कोरोना हो सकता है या हम केवल पुरानी बीमारी पे चल रहे हैं? हाँ नहीं, तो जैसे जो आपको तो पता है कि आपको क्या क्या लक्षण होते हैं जब ये ऐसी एलर्जी वगैरह लगती है, अगर जो वो जैसे आप कहते हैं कि 2 दिन में ठीक हो जाती है, थोड़ी खराश होती है या छींक वगैरह आती है, पर अगर जो आपको उससे अलग हटके प्रॉब्लम आ रहा है कि वो उसके 3-4 दिन चल गया, गले में बहुत दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तब तो आपको फिक्र होना चाहिए कि फिर टेस्ट होना जरूरी है। अगर जो बुखार चल रहा है 3-4 दिन, खांसी जुकाम चल रहा है, गले में दर्द हो रही है और सबसे ज्यादा कई किसी किसी को सांस की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो एकदम डॉक्टर के पास जाएं, कभी भी उससे लापरवाही ना करें। पर यह है कि अगर जो वो 1 दिन आती है, 2 दिन आती है, फिर अपने आप ठीक हो जाती है, आपने जो अपने गार्गल वगैरह किए या जो भी कुछ जड़ी बूटी खाई, अगर जो उससे ठीक हो गया तो बहुत अच्छा है, फिर फिक्र कम हो गया। एक आरोग्य सेतु के बारे में लोगों ने सवाल किया है कि आरोग्य सेतु एक अच्छा सेतु है, इसके बारे में हमको 500 मीटर, 1000 मीटर और 10 किलोमीटर की दूरी में कितने लोग हैं इसके द्वारा पता चलता है, मगर उसमें वही है कि हम सर्दी जुकाम खांसी जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं उसको डालने से ही हम भी रेड जोन में आ जाते हैं, तो इसको लोग डर रहे हैं, तो इसका थोड़ा कुछ आगे इसमें विस्तार सुधार की जरूरत है क्या, ऐसी एक सुझाव लोगों ने हमको? नहीं, जैसे टाइम निकलेगा इसमें रिफाइनमेंट आएगी, पर अगर जो आपको वही जो आप बता रहे हैं कि भाई खांसी जुकाम थोड़ा सा हुआ उसको एंटर करने की जरूरत नहीं है, पर आपको बुखार हुआ, खांसी जुकाम और गले में दर्द हुआ तो जरूर एंटर करो, पर आप डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर तो हर जगह है अवेलेबल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां भी जा सकते हो, सब डॉक्टरों को ट्रेनिंग मिल गई है कि कैसे नॉर्मल फ्लू और कोविड 19 के जो सिम्टम्स हैं उसको कैसे समझा जाए, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक्चुअली सेतु में भी आप एंटर करते हैं कि भाई मेरे को कहीं कांटेक्ट हुआ है, कि मैं ट्रैवल किया है कि नहीं, ये कब हुआ है, तो अब 2 दिन बाद पता लगेगा कि क्या हो रहा है, तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं कि आप एक ही चीज़ एंटर करेंगे तो आप रेड हो जाएंगे, आप उसमें आपको ये ज़रूर एडवाइस कर सकते हैं कि आप जाके अपना चेकअप कराओ भैया। एक लास्ट और बड़ा आखिरी सवाल है हमारे साथ, इसमें 4-5 एमएलए जुड़े हुए हैं, विधायक हैं, हमारे पार्टी के पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, और नरेंद्र त्रिपाठी सतना के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे महोबा के जिलाध्यक्ष हैं, 2 विधायक हैं सरदेंदु जी, कई संत महंत लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, उनके मंदिर मठ सब बंद हैं, बेचारे बड़े जीवन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जब मंदिर खुलेगा हम सरकारी नियम पालन करेंगे, लेकिन अभी भी हमें किसी के पास में जाने हैं तो लोग नजदीक आते हैं, पैर छूते हैं, हम उनसे मिले न मिले,
आपने सोशल डिस्टेंस की बात कही है, लेकिन स्पेसिफिक सवाल ये है कि यदि हम ऐसा ही सब चलता रहा तो क्या हमें भी ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू पॉलिटिकल कार्यक्रम करने पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल करने चाहिए, पर ये जरूरी है कि आप देखो ऐसा है कि एक तो पब्लिक गैदरिंग जो लंबी बड़ी है वो तो नहीं करनी है अभी, वो भी टाइम आ जाएगा, जब एक बार ये वैक्सीन आ जाएगी तब तो ठीक हो जाएगा। पर ये भी है जैसे आप कह रहे हैं कि पंडित वगैरह हैं या बुजुर्ग हैं जिनके पैर छूने आते हैं लोग, उनको मना करना चाहिए। आज के दिन राम राम दूर से ही करना है, नमस्ते सबसे बढ़िया है, और जो क्योंकि ये जो इसमें चाहे ना हो पर अगर जो हो गया तो फिर मुसीबत काफी बड़ी होती है, तो इसीलिए चांस मत लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहादुरी नहीं दिखानी है कि मैं तो बहुत हेल्थी हूँ मेरे को नहीं होगा, ये कई कई धुरंधर गिर गए, इसीलिए ये चक्कर में नहीं पड़ना है कि मेरे को नहीं होगा, ये किसी को विश्वास होना गलत विश्वास है, इसीलिए अपना ध्यान पूरा रखें। जो मंदिर वगैरह खुलेंगे भी तो वही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जाएंगे, ये सब आहिस्ते आहिस्ते नॉर्मल होगा, पर अपने टाइम से होने दो, इसमें इतनी जल्दी मत करो कि जो जैसे जैसे गवर्नमेंट प्लान बना रही है उसका प्रोटोकॉल बना रही है, उस प्रोटोकॉल को पूरी तरह से अपना के आप करेंगे तो वो सेफेस्ट रहेगा। तो इसीलिए मेरा ये तो ख्याल है कि बार बार मैसेज मेरा एक ही है कि अब ये हमारे लिए ही इंडिविजुअल के लिए ही ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारा सारी सोसाइटी और कंट्री का है, और हमें इसी से देखना है कि कितनी तकलीफ हम अपने कंट्री को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अगर कोई सिंपल चीज़ों का पे तवज्जो दें, उसको अपनाएं, और कोई बेवकूफ़ी या बहादुरी करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम। एक सवाल तो बहुत है, हम आखिरी सवाल पे समाप्त करेंगे शायद सुकेश जी। मेरा और कॉन्फ्रेंस है 10 मिनट में तो अभी खत्म। एक लास्ट सवाल है कि हमारे बहुत सारे दर्शकों का श्रोताओं का कि यह समय लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, इसका अभी कोई आदि और अंत पता नहीं चल पा रहा है हमें, इसलिए हमको सावधानी तो करना ही है, सावधानी के साथ साथ जो मुख्य सवाल है कि मेदांता ने हमारे बुंदेलखंड बघेलखंड में 3-3 कैंप किए और लगभग पंडित दंडेश्वर सेवान्यास के द्वारा 2382 मरीज ऐसे मरीजों की बड़ी संख्या में जांच पड़ताल की है, तो क्या है आपका आगे क्रम हमारे साथ चलता रहेगा? हमें मेदांता ने कुछ छूट भी दी है, हमारे मरीजों का सम्मान भी करते हैं हम, जिनको सुकेश जी के पास और कश्यप घोष के पास भेजते हैं, तो आगे चल के अभी बीमारियों में लोग घर में डर के मारे बैठ गए हैं, उनके लिए आपका एक स्पेसिफिक संदेश चाहते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक, अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल तक और जैसी गंभीरता बीमारी की है दिल्ली तक आने जाने में उन्हें किन चीजों की सावधानी के साथ आना चाहिए, और क्या आपका अस्पताल पूरी तरह से इसके लिए तैयार है? हाँ, हमारा हॉस्पिटल तो मैंने तो बताया ना कि उसमें कोविड हमने बिल्कुल खत्म कर दिया, तो कोविड है ही नहीं तो उससे डरना नहीं है, इसका इससे कोई खतरा नहीं है आपको आने का, बिल्कुल सेफ है। हम भी जाते हैं रोज काम पे, मेरी भी उम्र काफी है, तो इसीलिए वो सेफ्टी तो है, और इसलिए अब डरना नहीं है, पहले जो था और अब ट्रैवल भी आना शुरू हो गया है, और अगर जो किसी को कोविड है जो आपके यहाँ है उसके लिए हमने स्पेशल हॉस्पिटल बनाया, वहाँ भेज देंगे, तो इसीलिए कोई डरना नहीं है, और हमें ये देखना है कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए, फिक्र घबराना नहीं है, फिक्र से काम चलना है कि भाई मैं सावधानी यूज करूँ, सावधान रहेंगे तो आप अपने आप को बेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो क्योंकि जो बीमारी जो है जैसे बोल रहे हैं बहुत सोचते थे कि जिसकी कोई जिसको प्रोस्टेट की बीमारी है या गॉल ब्लैडर की बीमारी है या कैंसर है या हार्ट की बीमारी है उनका नुकसान हो जाएगा बहुत घर बैठे बैठे, तो उनको तो अब निकल के आ जाना चाहिए, हम पूरा ख्याल रखेंगे उनका, और ये कैंप भी होंगे और उनको जो जो हम रिस्पेक्ट देते हैं वो पूरी मिलेगी, और जो उनके लिए स्पेशल किसी को छूट देनी है उसको भी करेंगे, उसका भी पालन करेंगे, तो उस हिसाब से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं एक और तरीके से महोबा से बुंदेलखंड में मेरा संपर्क है क्योंकि मैं कोका कोला फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ, तो वहां से हमने काफी सारे चेक डैम बनाए हैं ये बुंदेलखंड एरिया में कि पानी को
रोकना है और उसके सारे में सारी जो वीडियोस है मैं देखता हूँ कि कितना पानी जब बारिश आती है तो कितना पानी बचता है और कितना ग्राउंड वाटर में जाता है। तो इससे हमें बड़ी खुशी हुई क्योंकि बुंदेलखंड तो बहुत ड्राई एरिया है और अब ये कोविड खत्म हो जाए तो और भी प्रोग्राम है क्योंकि और भी पैसा हमने किया है उस एरिया के लिए और भी चेक डैम बनाने का। सो वहाँ आना होगा। अब होपफुली ये खत्म हो जाए और दो चार महीने में फिर मार्च अप्रैल के टाइम में आने का मौका मिलेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको भी कुछ और मेरे को ये बात जरूर है कि उन लोगों को मैं नहीं देख सका पर आपके थ्रू वो रूबरू हुआ है जो तो वो बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर त्रेहान जी, उनकी पूरी टीम को, मेदांता ने जो इतना समय अपना अमूल्य समय दिया है, बड़ी संख्या में दर्शक जुड़े हैं, इस नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जुड़े हैं। और ऐसा लोग कहते हैं कि पहले हमको बीसी और एडी पढ़ाया जाता था, अब शायद प्री कोविड और पोस्ट कोविड नाम के युग में जीने का मौका मिलेगा। ये बात सही है। और आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी तरह से लोगों को अलग अलग विषय पे आपका व्याख्यान सुनने मिलेगा।